इंटीग्रेशन 4 sin inverse x³ ओवर √1 − x² dx। इसमें हम पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को वाई, डेरिवेटिव बोथ साइड, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर √1 − x², वाई का डेरिवेटिव dy/dx, dx को इधर लेके आएंगे 1 ओवर √1 − x² dx इज इक्वल टू dy। वैल्यूज पुट करेंगे इंटीग्रेशन 4, साइन इनवर्स एक्स को हमने पुट किया है y रेज टू पावर 3 और 1 ओवर √1 − x² dx की जगह पे dy। 4 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन y रेज टू पावर 3 dy। y रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है y रेज टू पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 + कांस्टेंट। 4 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 4 ओवर 3 + 1 4 + c। 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू साइन इनवर्स x रेज टू पावर 4 + c। इंटीग्रेशन sec³x tan x dx। सेकेंड क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं sec² x sec x tan x dx। इस अब हम पुट करेंगे सेकेंड एक्स को y, डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टैन एक्स, y का डेरिवेटिव dy/dx। dx को इधर लेके आएंगे सेकेंड एक्स टैन एक्स dx इज इक्वल टू dy। वैल्यूज पुट करेंगे सेकेंड एक्स को हमने पुट किया है y, ऊपर स्केयर है तो y स्केयर, सेकेंड एक्स टैन एक्स dx की जगह पे dy। y रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है y रेज टू पावर n + 1 ओवर n + 1 + c। अब n की वैल्यू 2 है तो y रेज टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 + c। y रेज टू पावर 3 ओवर 3 + c। y की वैल्यू सेकेंड x है, सेकेंड क्यूब x ओवर 3 + c।